को सेट करने में कहेंगे कि मैंने लापरवाही बरती गई है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा गंभीरता बरती जानी चाहिए। बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। एक तरफ दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए जी जान एक लगाए हुए है। इसके लिए हमारे देश में विरोधी ताकतों और आतंकी गतिविधियों को चला रखा है। जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए देश के वीर सपूत जान हथेली पर लेकर आतंकियों से लोहा लेते हैं और आतंकी संगठन के हर साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। वहीं इन सबों के बीच बिहार शिक्षा विभाग भी दुश्मन देश पाकिस्तान की बोली बोल रहा है और बिहार के छात्रों के दिमाग में भी ये डालने की साजिश चल रही है कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग राष्ट्र है। शायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आज हम आपको साबित कर देंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की साजिश का। दरअसल इन दिनों बिहार में शिक्षा विभाग के आदेश पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के बिहार के सभी छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जा रहा है जो 12 अक्टूबर से आरंभ हुआ है और 18 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर सोमवार के दिन द्वितीय पाली में छठे क्लास से लेकर क्लास 8वीं तक के छात्र छात्राओं से अंग्रेजी की परीक्षा ली गई। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग पर उंगलियां तब उठी जब 7वीं क्लास के अंग्रेजी प्रश्न का पहला सवाल से ही स्पष्ट साबित हो रहा है कि देश विरोधी साजिश रचने का। What are the people of the following countries are called? One is done for you. बिहार शिक्षा विभाग के क्वेश्चन सेटर ने चाइना का उदाहरण देते हुए लिखा है कि चीन के नागरिकों को चाइनीज कहते हैं तो नेपाल के नागरिकों को नेपालीज, इंग्लैंड के नागरिकों को इंग्लिश, तो कश्मीर के नागरिकों और भारत के नागरिकों को आप क्या कहेंगे, जिसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित किया गया है, यानी एक सवाल के लिए 2 अंक, जिसमें 4 प्रश्नों का जवाब लिखने पर उसे 8 अंक मिलेंगे। अब आप मामले को बारीकी से समझे। शिक्षा विभाग के क्वेश्चन सेट करने वाले पदाधिकारी चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत के साथ कश्मीर को भी अलग देश मानते हैं। तभी तो उन्होंने बिहार के बच्चे के बीच कश्मीर को अलग राष्ट्र बताकर जहर खोलने का काम किया। इस तरह पैटर्न का प्रश्न पत्र सीमांचल के अररिया, किशनगंज और कटिहार के छात्रों से पूछा गया है, जो मामला गंभीर है। पहला मतलब चाइनीज के बारे में लिखना था कि हम लोग का चाइनीज, उसके बाद इंडियन के बारे में था, भारतीय लोगों को क्या बोला जाता है। हाँ, उसी प्रकार कश्मीर को राष्ट्र बता दिया गया था। हाँ, क्या पता है कश्मीर राष्ट्र बता दिया गया था, एक देश बता दिया गया था कश्मीर को। क्या कश्मीर एक देश है? नहीं। को सेट करने में कहेंगे कि मैंने लापरवाही बरती गई है जो नहीं होना चाहिए। किस तरह का लापरवाही है सर? क्या जैसे कश्मीर मानव निर्मित है जैसे, वो तो हम तो खैर समेट में नहीं देखे, बाद में जैसे आप लोग दिखाए तो उसमें देखे जी कश्मीर को एक राष्ट्र बताया गया, ये सही नहीं है। मान इंग्लिश छोड़ के भी तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन में त्रुटियाँ देखी है जो कि नहीं होना चाहिए, जो आपके दिखाया गया अभी मैथमेटिक्स में, जिसका कोई मान नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा गंभीरता बरती जानी चाहिए। ये स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि क्वेश्चन पेपर समग्र शिक्षा विभाग से उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि सवाल पूरी तरह से गलत पूछा गया है। वैसे में उस सवाल का उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन कैसे करें जो समझ से परे है। जो है हम लोग को प्राप्त हुआ है थ्रू BRC विद्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ है और वो प्रखंड संसाधन केंद्र को तो SSA उपलब्ध कराया गया है, सर्व शिक्षा अभियान उपलब्ध कराया गया है। सर इसमें एक क्वेश्चन देखा जा रहा है जिसमें कश्मीर को अलग देश ही बताया गया है, तो ये हाँ वो तो नॉलेज में है या नहीं? नहीं नहीं, कश्मीर बिल्कुल हमारे देश का अभिन्न अंग है और वो बाई मिस्टेक हो सकता है। वही जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता से इस मामले को पूछे जाने पर उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार किया है। हालांकि शिक्षाविद और भाजपा के नेता इस तरह के सवाल पर शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और इसे साजिश बता रहे हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से शिकायत की बात कहते हैं। पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। भारत के जो नए नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। इस मामले को लेकर युवा मोर्चा मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को इस संदर्भ में सूचना करेगी और उसकी शिकायत दर्ज करेगी। शिक्षा परियोजना के द्वारा वर्ग 7 के इंग्लिश की परीक्षा में देश के हिसाब से उनके लोगों का नामांकन करना एक सवाल था, जिसमें
चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइनीज, इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज, नेपाल के लोग को नेपालीज, और उसी तरह इंडिया के लोगों को इंडियंस, और उसमें एक कॉलम है कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा, इसका मतलब बच्चे जवाब देंगे कश्मीरीज। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर एक अलग देश है? इसी कश्मीर के खातिर हमारे देश के अनेकों जवान शहीद हुए, अनगिनत माँ की गोद सुनी हुई, पिता का साया बेटे से उठ गया, अनगिनत महिलाओं की मांग उजड़ गई। वैसे में मामला जांच का विषय है, आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है, साथ ही बिहार शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देश की जनता से माफी मांगने की जरूरत है। हालांकि ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए हैं। देशवा न्यूज के लिए किशनगंज से अमित की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।